गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और आज 4 जुलाई की एलटी ग्रेड की अपडेट लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं परीक्षा का ऐलान, स्कूलों में नहीं पढ़ाई का इंतज़ाम। तो यहां पर देख सकते हैं कि UPSC में फंसे 10,000 पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार राजकीय माध्यमिक कॉलेजों के लिए 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षक चयन के लिए 29 जुलाई को लिखित परीक्षा कराई थी। उनमें से कुछ विषयों का परिणाम भी आ चुका है, लेकिन इसमें पेपर लीक होने का आरोप लगा। उसके बाद से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। पहले चयनितों का सत्यापन न होने से भी वह भी जो है अधर में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है अभी तक जो है इसका निकला नहीं है, क्योंकि पेपर लीक प्रकरण में फंसने की वजह से हाईकोर्ट में इसका मामला लंबित है। तो लड़कों की जो है, जिन बच्चों को पढ़ाना है, इन टीचर को, उनका भविष्य बेकार हो रहा है इन सब के बीच में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुस्त प्रक्रिया में रफ्तार की आस, नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात ने काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। तो यहाँ पर पूरी खबर पढ़ते हैं। परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, परिणामों में गड़बड़ी जैसे आरोप झेल रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली में बदलाव की आस जगी है। सुस्त व भ्रष्टाचार से मुक्त कार्यप्रणाली के जरिए UPSC पारदर्शिता के साथ तेजी से आगे बढ़ने को बेताब नजर आ रहा है। बदलाव की यह आस जगाई है UPSC के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने। अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता व निष्पक्षता से काम करने का कड़ा निर्देश दिया है। UPSC की मौजूदा समय में 100 के लगभग भर्ती परीक्षाएं अधर में हैं। कुछ परीक्षाओं का एक चरण पूरा हुआ है, किसी का 2 चरण, जबकि कुछ परीक्षाओं का फॉर्म भरवाने के बाद परीक्षा कराई ही नहीं गई। इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। परीक्षा की सारी प्रक्रिया जो है पूरी कराकर परिणाम जल्द जारी कराने के लिए अभ्यर्थी आयोग का चक्कर सालों से काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। डॉक्टर प्रभात का जोर लंबित परीक्षाओं व परिणामों को तेजी से आगे बढ़ाने पर है। अब कौन कौन से लंबित हैं यहाँ पर देखेंगे। यह परीक्षाएँ हैं लंबित, UPSC द्वारा आयोजित होने वाली कई परीक्षाएं सालों से लंबित हैं। इसमें PCS 2017, APO 2018, समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी और 2016-17, AEJEE 2013, प्रोग्रामर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए व बी 2019, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज 2017, अपर निजी सचिव 2013, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019, सहायक कुल सचिव 2018, डेंटल सर्जन 2018 जैसी अनेक परीक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि पेपर लीक से बिगड़ी स्थिति। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का 15 विषयों की परीक्षा कराई गई। परीक्षा में 7.5 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि 29 जुलाई 2018 को प्रदेश के 37 जिलों में कराई गई परीक्षा में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। UPSC ने 7 विषयों, संगीत, उर्दू, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कृषि, वाणिज्य व संस्कृत का परिणाम घोषित किया, जिसमें 1347 सफल हुए थे, जबकि अंग्रेजी, कला, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान व कंप्यूटर विषय का परिणाम आना बाकी है। इधर पेपर लीक होने से सफल अभ्यर्थियों का 11 जून से होने वाला अभिलेख सत्यापन टल गया। अभ्यर्थी जो है परीक्षा के समर्थन व विरोध में आंदोलनरत हैं। तो कोई चाहता है कि इसका रिजल्ट आए, कोई चाहता है नहीं आए। तो इस तरह से स्थितियां जो है काफ़ी बिगड़ चुकी हैं, लेकिन जल्द ही अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सब कुछ ठीक किया जाएगा। तो विभागवार समीक्षा कर रहे हैं अध्यक्ष जो है डॉक्टर प्रभात कुमार। हर विभाग के कार्यों की अलग अलग समीक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने विभागवार लंबित कार्यों की रिपोर्ट एकत्र कर ली। अब उसी के अनुरूप सबकी समीक्षा करके काम पूरा करने की समय सीमा तय कर रहे हैं, यानी कि जल्द से जल्द नया कैलेंडर भी जारी होगा और रिजल्ट जो रुके हुए रिजल्ट हैं उनका भी आना जो है बहुत जल्दी आएगा। मतलब ऐसा जो है प्रतीत होता है कि उनके कार्यों की तेज़ी की वजह से। तो आप लोग हौसला बनाए रखें, हारे नहीं, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, बस हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है हाईकोर्ट के फैसले के बाद जस्ट जो है ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, आपका रिजल्ट बहुत जल्द जो है जारी कर दिया जाएगा, ऐसा आयोग के तेज़ी से लग रहा है। और मैं ये बार बार कह भी रहा हूँ कि जो है जल्द से जल्द जारी किया जाएगा आपका रिजल्ट।